नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजदीप सजवान और आज हम बात करेंगे श्री कृष्णा सीरियल में सुदामा जी का किरदार निभाने वाले अभिनेता मुकुल नाग जी की उन फिल्मों के बारे में जिनमें उन्होंने अभिनय किया था। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियो ला सकूँ। दोस्तों, ये बात तो सभी जानते हैं कि उन्होंने श्री कृष्णा सीरियल में सुदामा जी और सीडी के साई में साई बाबा का किरदार निभाया था, लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने कई फिल्मों में काम किया था जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पर आती है फिल्म हजार चौरसी की माँ, जो कि 1998 में रिलीज हुई थी और उस फिल्म में उन्होंने एक छोटा सा किरदार निभाया था। इस फिल्म के डायरेक्टर थे गोविंद नहलानी और प्रोड्यूसर थे मनमोहन देसाई। और दूसरी फिल्म थी अपहरण, जो कि 2 दिसंबर 2005 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे अजय देवगन और नाना पाटेकर। इस फिल्म में उन्होंने एक उस्मान नाम के व्यक्ति का किरदार निभाया था। और तीसरी फिल्म है मेरे साई राम, जिसमें उन्होंने साई बाबा का किरदार निभाया था और ये फिल्म 2015 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म YouTube पर भी है, जिसे आप YouTube पर जाकर देख सकते हैं। और चौथी फिल्म है फैंटम, जो कि 28 अगस्त 2015 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इस फिल्म में उन्होंने कुरैशी नाम के एक पाकिस्तानी व्यक्ति का किरदार निभाया था और इस फिल्म में सैफ अली खान और कटरीना कैफ मुख्य भूमिका में थे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियो ला सकूँ।